है, मगर भारत ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। संबंधों का आधार आपसी विश्वास और आपसी सम्मान का है। बता दें, दो दिवसीय ऑस्ट्रेलिया का पीएम मोदी का दौरा है, इसके बाद पीएम मोदी भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। और भारत के लिए रवाना होने से पहले कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें पीएम मोदी शिरकत करने वाला है, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस से ने कहा है कि उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। इसी की जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली की अबकारी नीति मामले में आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को आज राजभवन कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राजभवन कोर्ट में आज उन्हें पेशी के लिए ले जाया गया था, तो उसके बाद पुलिस ने जो है गिरवान में हाथ डालकर मनीष सिसोदिया को ले जाते हुए नजर आई थी। लेकिन उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और कहा कि ऊपर से आदेश आया हुआ, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में ले जाकर पुलिस उनको पीछे से पकड़ के ले जा रही थी, तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में ले जाते देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलिस द्वारा सिसोदिया को ले जाने का एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप भी लगाया। सीएम केजरीवाल ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या पुलिस को इस तरह के मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? बता दें कि इस मामले में घिरे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं और राजभवन कोर्ट में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। दरअसल इस क्लिप के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में मंत्री अतीशी के अकाउंट से रिट्वीट किया है। अतीशी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए में लिखा है कि राजभवन कोर्ट में इस पुलिस कर्मियों द्वारा मनीष जी के साथ चौंकाने वाला दुर्व्यवहार, दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। वहीं सीएम केजरीवाल और आप नेता द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब दिल्ली पुलिस का जवाब आया है। दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार का आरोप बताया है कि पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि का अनिवार्य किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने पेशी के दौरान एक टेबल चेयर और कुछ किताबों की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। दरअसल अबकारी घोटाले मामले में सिसोदिया की आज न्याय हिरासत खत्म होनी थी, जिसको लेकर आज उन्हें पेशी की गई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्याय हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद जब मनीष सिसोदिया को आज राजभवन कोर्ट में पेश किया गया था, तो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तो उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने आज तंज कसा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अतीक और अशरफ के वकील की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उनके वकील पर रंगदारी लेने का आरोप लगा है। इसी की जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी शोएब रिज़वी। अतीक अहमद और अशरफ के वकील की अब एक बार फिर मुश्किल बढ़ चुकी है। दरअसल जो अतीक अहमद और अशरफ का केस देखते थे विजय मिश्रा, उनके खिलाफ एक व्यापारी ने लेन देन के विवाद में एक FIR दर्ज कराई है। यही नहीं, उसने एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि अतीक के वकील विजय मिश्रा ने उनसे 3 करोड़ रुपए की रंगदारी अतीक के नाम पर मांगी। दरअसल पूरा मामला ये है कि विजय मिश्रा के बारे में जो आरोप लगा है वो ये लगा है कि एक जो व्यापारी फर्नीचर का है, उसकी दुकान से उन्होंने करीब 1.5 लाख के आसपास का कुछ सामान लिया था, जिसका पैसा वो नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब उस पैसे की डिमांड के लिए उसके ऑफिस से फ़ोन किया गया, तो बाकायदा न सिर्फ उसको धमकी दी गई, आरोप लगाया गया कि अतीक के नाम पर 3 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। इस पूरे मामले की FIR दर्ज हो गई है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब कहीं ना कहीं पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। तो ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के वकील, जो उनका पूरे परिवार का केस देखते थे विजय मिश्रा, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनके ऊपर एक व्यापारी ने न सिर्फ रंगदारी बल्कि लेन देन के विवाद पर एक FIR दर्ज कराई है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि विजय मिश्रा के खिलाफ जो ये FIR दर्ज की गई है, उस पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाती है। शोएब रिज़वी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी की जानकारी देनी हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नई संसद भवन का पूजा के साथ उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि नई संसद भवन को बनाने में करीबन 1200 करोड़ का खर्च आया है। आपको बता दें, उद्घाटन का इनविटेशन कार्ड सामने आया है। कार्ड में लिखा है कि महासचिव लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संसद के नए निर्मित भवन की लोकार्पण के अवसर पर
आपको 28 मई को 12 बजे संसद भवन नई दिल्ली में सादर निमंत्रित करते हैं। कार्ड इंग्लिश और हिंदी दोनों में जारी किया गया है। कार्ड पर सभी अतिथियों से सुबह 11:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए कहा गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने दिख रहे हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम की जगह राष्ट्रपति को करना चाहिए। उधर नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख को लेकर भी कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया है। इसके उद्घाटन के लिए 28 मई को दिन चुना गया है। इसी दिन बीडी सावरकर की जयंती है, इसलिए पार्टी इसकी तारीख को बदलने की मांग कर रही है। विपक्ष एक बड़ी बैठक में उद्घाटन के संबंध में अपने रुख को लेकर योजना बना रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सोच इतनी छोटी है कि वह इस ऐतिहासिक दिन का स्वागत भी नहीं कर सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को बेकार बताते हुए कहा कि वीर सावरकर हर भारतीय की शान है। जो लोग तारीख पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बता दें कि वे महत्वहीन हैं, वीर सावरकर के चरणों की धूल के लायक भी नहीं हैं। आपको बता दें कि नए संसद भवन के लोकसभा में सदस्यों के बैठने की संख्या 888 है, वहीं राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की क्षमता है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी है। आपको बता दें जैकलिन फर्नांडिस मानहानि के मामले में कोर्ट से सवाल जवाब हो रहे हैं उन पर, इसी की जानकारी दे रही हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन को मनी लॉन्ड्रिंग के 200 करोड़ मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी है। ठग सुकेश चंद्रसिंह से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पेश हुई। इस दौरान कोर्ट ने अभिनेत्री को बड़ी राहत देते हुए विदेश जाने की अनुमति दे दी। वह 25 से 27 मई अबू धाबी और 28 मई से 12 जून तक इटली की यात्रा कर सकेंगी। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी चार्जशीट में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जैकलिन फर्नांडिस को आरोपी बनाया है। इससे पहले ईडी इसी केस के सिलसिले में जैकलिन से कई बार पूछताछ कर चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की वसूली की। एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है कि इन पैसों से जैकलिन को भी फायदा पहुंचाया गया है। सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन को जो करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए थे उसे भी ईडी जब्त कर चुकी है। बताया जाता है कि जैकलिन ने सुकेश से उस समय भी मुलाकात की जब वह जेल में बंद था। फिलहाल सुकेश मंडोली जेल में बंद है। वहीं एक्ट्रेस पर भी ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। इमरान खान के खिलाफ दर्ज 8 मामलों में उनकी अंतरिम जमानत बढ़ गई है, इसी की जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दिनकर आनंद। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि एटीएस ने पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को 8 मामलों में 8 जून तक जमानत दे दी है। आपको बता दें लगातार इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी, लगातार उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उसके बाद कोर्ट से जमानत मिल रही थी, लेकिन इमरान खान के लिए फिलहाल एक खुशी की खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें यह मामला जो चल रहा था वो तोशाखाना मामले का था, जिसमें पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें हिंसक झड़प होने के बाद 8 अलग अलग जगहों पर इमरान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। ट्रस्ट से बात की हमारे संवाददाता अनुभव ने। अयोध्या के धर्मनगरी अयोध्या के जन्मभूमि पथ पर मौजूद है। सामने आप देख सकते हैं कि राम पथ है, तो राम पथ पे जो भी यहाँ पे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो सबसे पहले वो राम पथ से होकर ही गुजर कर जन्मभूमि राम पथ से अंदर जाएंगे, अंदर उसके बाद वो जन्मभूमि पथ पर जाएंगे। आप सामने देख सकते हैं कि यहीं पर ये जो मार्ग है ये मुख्य मार्ग को राम जन्मभूमि पथ बताया जा रहा है। इस पथ पे लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ से महज 2 गज की दूरी पर ही भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। बताते चलें कि भगवान राम का जो 90% जो प्रथम तल का 90 जो प्रथम तल का जो मंदिर बन रहा है, प्रथम तल के 90% कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। और इसी ट्रस्ट द्वारा जो यहाँ के जो राम भक्त हैं उनकी मनसा को देखते हुए और ट्रस्ट ने एक बड़ी और अच्छी पहल शुरुआत की है। बताते चलें कि आप सामने देख सकते हैं कि सहायता केंद्र, इसे जन्मभूमि पथ पर ही सहायता केंद्र नाम से एक यहाँ पर ऑफिस डाली गई है, जिसपे जो भी यहाँ पे श्रद्धालु राम भक्त जो भी राम भक्त आएंगे उनके श्रद्धा को देखते हुए उनके उनकी सहायता के लिए यहाँ पर ये जो ऑफिस यहाँ डाली गई है बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि काउंटर नंबर 1 से लेकर लगभग 4 काउंटर बनाए गए हैं। चारों काउंटर पे जो भी यहाँ पे श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनकी सुख सुविधा के लिए यहाँ पर लाकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सबसे बड़ी खास बात इस लाकर की रही है कि जो यहाँ के जो यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे
फ्री ऑफ कॉस्ट की मंशा रखी गई है, चूंकि यहाँ पर एक रुपया भी यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ट्रस्ट द्वारा ये संचालित की गई है। यहाँ पर जो भी आएंगे लोग, जो भी श्रद्धालु आएंगे, अपने अपने फोन को, अपने एटीएम कार्ड्स को, तरह तरह के जो भी सामान जो भी वहाँ पे भगवान राम के मंदिर को जाने के लिए परिचित किया गया है वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। यहाँ से लाकर की सुविधा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात है जी हमारे साथ। और ये देख सकते हैं कि साथ में जी भाई साहब, क्या नाम है? प्रिंस पाठक। ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कितना पैसा लगाया जाता है लोगों को? नहीं, फ्री है, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से ये फ्री है लाकर। ये साहब जो आपने सुना कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा चलाई गई है। अब बड़ी बात आपको बताते हैं कि राम जन्मभूमि जो भगवान राम का मंदिर को लेके जो लोग भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं, दर्शन के साथ साथ बताते चलें कि आरती की सुविधा भी बताई गई है। आप सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पास बनाए जाते हैं, ये काउंटर नंबर आप देख सकते हैं, साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आरती पास या आरती बनाया जाता है, क्योंकि भगवान राम के दर्शन के साथ साथ आप आरती का भी अब आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी ध्रुवेश मिश्रा नाम है। भाई साहब क्या, ध्रुवेश मिश्रा जी। भाई साहब ये बताइए कि जो यहाँ पे जो पास जारी हो किए जाएंगे क्या उनके साथ क्या मतलब जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किस चीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी जिससे आप पास जारी कर सकेंगे? यहाँ पे आरती पास होता है जी, जी तो उसके लिए कुछ वेरिफिकेशन लगता है जी, उसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी हुई तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो 30 पास बताया जा रहा है कि 30 पास ही बनाए जाएंगे, इन पासों से जो भी यहाँ राम भक्त आएंगे दर्शन पूजन करेंगे साथ साथ आरती का भी आनंद उठा सकेंगे। अब चलता हूँ आप लोगों के भी अभी जो एक खास सुविधा जो भी रही है जो यहाँ के जो भी राम भक्त जो भी दिव्यांग होंगे जो भी वृद्धावस्था में होंगे उनके लिए ये खास ये पैनल बनाया गया है। इस पर आप आएंगे इस पर बैठ के इसके सुख सुविधा के लिए लगभग इसको 150 और बताते चलें कि इस पर इसका जो एक मानक रखा गया है 150 रुपये रखा गया। आप सामने देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे वो रखाए गए हैं, व्हील चेयर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्हीं व्हील चेयर का जो भी रेट होगा लगभग 150 रुपये मात्र बताया जा चुका है। इसी पर आएंगे और जो भी दिव्यांग हैं और जो भी वृद्धावस्था में होंगे वो इस पर जाकर भगवान राम के दर्शन को उसके आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर जो कि यहाँ पर जो अपने जो देश की सबसे बड़ी निजी सुरक्षा साथ साथ ही बताते चलें कि जो सबसे देश की सबसे निजी सुरक्षा गार्ड अपनाए गए हैं, बताते चलें कि जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एसआईएस सिक्योरिटीज के लगभग 55 सिक्योरिटी को हायर किया है जिससे अयोध्या में आने वाले भगवान राम के जो भी दर्शन करने के लिए राम भक्त आएंगे उनको खासा परेशानी न हो, इसके लिए ये एसआईएस के जो 55 सिक्योरिटी गार्ड्स ये उनकी सहायता करेंगे। इंडिया वाइज के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। उन्नाव में नाबालिग के साथ गैंगरेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, इसी की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निखिलेश सिंह। एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक मंद बुद्धि किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें पूरा मामला उन्नाव के थाना दही क्षेत्र से संबंधित है जहां पर एक मंद बुद्धि किशोरी को अपहरण कर उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्नाव में किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए फौरन दो लोगों को हिरासत में ले लिया है और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पुलिस लगातार गहनता से जांच कर रही है। जो किशोरी है वो मंद बुद्धि बताई जा रही है और वो घर के बाहर आइसक्रीम लेने को निकली थी, वहीं पहले से ही घात लगाए दो लोगों ने उसे कार पर आइसक्रीम का लालच दिया और उसे बैठाया और शहर के एक होटल पर ले गए जहाँ पर उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया। किशोरी को अचेत अवस्था में उसके घर पर छोड़ा जहां पर उसके माता पिता को जब ये घटना पता चली उन्होंने थाने में तहरीर देते हुए मामले में कार्रवाई की, आगे पुलिस से बात कही। पुलिस फौरन हरकत में आई और फौरन किशोरी को ले जाकर गहनता से पूरी जांच की, तब पता चला कि शहर के एक होटल में ले जाकर
दो लोगों के द्वारा उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं मौके पर सीओसीटी व थाना दही प्रभारी पहुंचे और गहनता से जांच की। दो लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और पुलिस भी हिरासत में है और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। रायबरेली में खाद विभाग के अधिकारियों ने कई जगह पर छापेमारी की है, जिसमें कई बड़े ब्रांड्स पर गाज गिरी है। इसी की अहम जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। सिटी मजिस्ट्रेट और खाद्य विभाग के जिम्मेदारों की छापेमारी के बाद होटल संचालक व रेस्टोरेंट मालिकों में हड़कंप का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के तेवर इस वक्त सख्त देखे जा रहे हैं। लगातार कार्यवाहियों का जिले में दौर चल रहा है, वहीं जिसके क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे चाहे होटल संचालक हो या मिठाइयां बनाने वाली दुकान है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्यवाही की जाए। उसी के क्रम में प्रशासन हरकत में आया और सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में जो लगातार ये कार्यवाहियां चल रही हैं, इस कार्यवाहियों के बाद देखा गया कि बड़ी खामियां सामने आई। आपको बता दें कि खाद्य विभाग व सिटी मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद के नेतृत्व में आज छापेमारी की गई, जिसमें काफ़ी नाम गिराम जो एजेंसियां हैं, जैसे राजस्थान स्वीट की जो दुकान है रायबरेली ज़िले में, उसमें भी बड़ी खामी मिली है, और पिज्जा बनाने वाली एक एजेंसी है रायबरेली ज़िले में, उसमें भी बड़ी खामी देखी गई है। तो आपको बता दें कि राजस्थान स्वीट में हाल में ही होली से पहले रायबरेली जिला प्रशासन व लेबर कमिश्नर के द्वारा छापेमारी की गई थी, तो जो रिहायशी एरिया में बॉयलर चल रहा था, बॉयलर को सील कर दिया गया था और उनको हिदायत दी गई थी कि रिहायशी इलाके में जहां लोग रहते हैं ऐसी जगह पर बॉयलर का उपयोग ना किया जाए, ताकि किसी प्रकार के बड़ी घटनाओं को वो ना होने पाए। लेकिन देखा गया कि सील बॉयलर का सील तोड़कर जो है राजस्थान स्वीट के मालिक के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा था, और वहीं उनके गोदाम में लगभग एक कुंटल अधोमानक मिठाइयां मिली, जिसको नष्ट कराया गया, और भी काफ़ी खामी मिली। वहीं पिज्जा एजेंसी पे भी छापेमारी की गई, तो उनके यहाँ जो मटेरियल था वो एक्सपायरी देखा गया। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि रायबरेली ज़िले में लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि हाल में ही जैसे त्यौहार होते हैं, चाहे होली का हो या दीपावली को हो, उस दौरान काफ़ी लोग बड़ी मात्रा में मानक विहीन मिठाइयां बाज़ार में बिकती हैं, तो ऐसे में कभी भी खाद्य विभाग के जिम्मेदारों द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लिया जाता और लोगों के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ होता है। लेकिन इसके बाद जब जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने पूरे मामले को संज्ञान लिया और हिदायत दिया कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्यवाही की जाए, तो जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और बड़ी खामी देखने को मिली है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट की वजह से कारखाने में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इसी की हम जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से कॉटन वेस्ट के कारखाने में लगी भीषण आग, आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर पाया काबू। अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर रोड का पूरा मामला है, जहां पर कॉटन वेस्ट के कारखाने में मजदूर काम कर रहे थे, जहां पर अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते वहां पर भीषण आग लग गई, जिसके चलते मजदूरों ने भागकर बामुश्किल अपनी जान बचाई। वहीं आग लगने का वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि जो मजदूरों ने भागकर जान बचाई, उन्होंने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं कॉटन वेस्ट कारखाने के मालिक ने जानकारी देते हुए कहा कि शॉर्ट सर्किट के चलते उसके कॉटन वेस्ट कारखाने में आग लगी है, जिससे उसको लाखों रुपए का नुकसान है। वहीं उसने सरकार से इस पर मुआवजे की मांग भी की है। वहीं जो मजदूर ने भागकर जान बचाई है, उन मजदूरों ने भी जानकारी देते हुए कहा कि एक बड़ा हादसा यहां पर होने से टल गया, क्योंकि जिस तरह से कॉटन वेस्ट के कारखाने में अचानक आग लगी है, उसके चलते क्षेत्र में पूरी तरह से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है और इस पर जाँच कर रही है कि आग लगने का स्पष्ट कारण जल्द ही खुलासा करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मोबाइल में दुकान में के मालिक को बदमाशों ने गोली मार दी है।
इसी की अहम जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नदीम। गाजियाबाद का मुरादनगर इलाका दिन निकलते ही थर्रा उठा। आपको बता दें गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में गोयल टेलीकॉम पर अज्ञात बदमाशों द्वारा गोयल टेलीकॉम के मालिक मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें जिस वक्त दुकान उन्होंने खोली थी उसी वक्त घात लगाए बदमाशों ने, बुलेट पर सवार होकर आए और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि पड़ोसियों ने इसे नज़रअंदाज करते हुए क्योंकि बुलेट की आवाज़ समझ रहे थे, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि इस मामले में गाजियाबाद के DSP रवि कुमार भी वहां पहुंचे, जिन्होंने बदमाशों को जल्दी ही पकड़ने की बात भी कही है। हालांकि इसमें पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम और अन्य पुलिसकर्मियों को भी लगाया है, उनकी भी टीम लगाई गई है। हालांकि पुलिस बदमाशों के काफ़ी नज़दीक है, जल्द ही पकड़ने की बात कर रही है। अपने सहयोगी माइसिद के साथ मैंने दीन साइन इंडिया वॉइस गाजियाबाद। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।